नमस्ते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे योगा फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर की तरह हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर की एक खास बात यह भी है, ये आपको पता नहीं चलता है कि वो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया। इसके सिम्टम ही कुछ ऐसे हैं, बट ऐसी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा आप उसको दूर तो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं कि वेदर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, सिंपल सी समझने वाली टेक्निक है। हार्ट को जब भी प्रेशर ज़्यादा होता है, जब भी आपके आर्टरीज में जमाव होता है, प्लॉग होता है या नैरो हो जाता है, हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे शरीर पे आपका ब्लड सप्लाई करता है। जब वो ब्लड सप्लाई आर्टरीज में वो दबाव बनने लगता है तो हार्ट की फंक्शनिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें उस पर हार्ट पर प्रेशर आने लगता है, जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सिंपल शब्दों में इसको समझा जा सके। क्यों हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, इसके तो बहुत सारे कारण हैं। आजकल की अगर आप लाइफस्टाइल अगर देखेंगे तो लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर, मैं बता रहा हूँ, मुझे 26-27 ईयर ओल्ड के 26-27 साल के लड़कों के भी जब भी मैं मिलता हूँ, किसी कॉर्पोरेट सेशन में जाता हूँ या किसी रिट्रीट योगा वर्कशॉप में जाता हूँ, तो वहाँ मिलते हैं मुझे, हाई ब्लड प्रेशर है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं। समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, स्ट्रेस, आपका माहौल, ये सब तो कारण नहीं है। तो कुछ कारण हैं जिसमें आपके हाई ब्लड प्रेशर हाई चांसेस रहते हैं। स्मोकिंग इसमें से एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की संकेत रहेंगे। अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपके, डायबिटीज़ भी एक कारण होती है। CKD जिसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं, उसका लिंक होता है हाई ब्लड प्रेशर के साथ, हार्ट के साथ। थायराइड का एक लिंक बताया गया। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में समस्याएं होती है, साथ ही साथ वो हार्ट के फंक्शनिंग पे इफेक्ट करता है। शरीर का क्लीन ना होना, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक का जमा होना, ये सारे रीज़न हैं आपकी, चाहे ओवरवेट हो या सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, यह भी एक कारण है जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें रहती है। हाई ब्लड प्रेशर में आप क्या नहीं कर सकते, आपकी हार्ट फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब सिंपल शब्दों में ये कहें कि हम जब दौड़ लगाते हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका हार्ट जो है वो सप्लाई कर रहा है पूरे शरीर को, लेकिन जब हम आके बैठते हैं तब हमारा हार्ट नॉर्मल रेंज पे होना चाहिए, जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वो उसका जो रेंज है उस पर होना चाहिए। अब वो वहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि आपके हार्ट बहुत ज़्यादा अभी भी पंप कर रहे हैं, उनको प्रेशर आ रहा है। तो समझने की बात यह है कि कुछ लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि जो रात को सोने जाते हैं तब आपके हार्ट जो है बीट्स बहुत बढ़ने लगते हैं, उनको क्लियरली सुनाई देता है, यह भी एक अच्छी संकेत नहीं है। आपके हार्ट जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, हार्ट बीट नॉर्मल होने चाहिए जब आप सोने के लिए जाएं। दैट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी पे एक्टिवेट हो रहा है, जिसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट करते हैं। ये सारे कुछ लिंक हैं योग आसन से, वो कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं, वो कौन कौन से फूड ले सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में रिवील करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों को शेयर करना है उनको शेयर भी करें ताकि इसका उनको फ़ायदा हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम योग आसन की तरह। वो कौन से योग आसन है जिसे आप करते हैं तो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम होने में, उसे बैलेंस होने में सहायता होगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग में चाहे बालासन हो, अधोमुख श्वानासन हो, पश्चिमोत्तासन हो, ये सारे आसन आपके लिए अच्छे हैं। सबसे पहला आसन हम करेंगे बालासन। बालासन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। तो भाई ये रहा हमारा, नी को बेंड करके हम ये वज्रासन की स्थिति पे बैठ गए। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये है, और जब भी आप आसन में जाएं, ठहरें, रुकें, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। दोनों नी इस तरह से जुड़ा हुआ है। जिनको नी में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो तकिए का सहारा ले सकते हैं, वो तकिया नीचे रख सकते हैं, उन्हें भी लाभ होगा। अब यहाँ से हम धीरे धीरे, अगर जिनको बैंड करते भी नहीं बनता है तो वो सुखा आसन की स्थिति में बैठ सकते हैं। अब यहाँ से धीरे 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 देखिए सामने की तरफ गए, आपका हेड फ्लोर की तरफ। अब यहाँ देखिए भाई, मुझे तो इतना हो रहा है, यहीं पर रख सकते हैं आप। ये देखिए दोनों हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्लॉक को आपने इस तरह से रख लिया, हाथों को पीछे कर लिया। अगर आपका सर नहीं आता है, आप दो ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं सारे मॉडिफिकेशन के साथ ही आपको पूरा आसन बताऊंगा। दोनों हाथों को इस तरह से आप बंद पकड़ के भी रख सकते हैं या बगल में भी इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए, और जब भी आप बालासन में रहें तो पूरा आपका शरीर ढीला, ये देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा सर गया जमीन पे,
और मैं यहाँ पे रहा, इसे कहते हैं बालासन। यहाँ पे रहिए, कुछ देर रहिए इस आसन में, तब आपको इसका लाभ मिलेगा और फिर धीरे से वापस आ जाइए। मैं तो बहुत जल्दी वापस आ गया क्योंकि मुझे और भी चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन आपके लिए आपको कुछ देर तक ठहरना है, मिनिमम 1 मिनट to 2 मिनट आप इस आसन पे बैठ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आसन विच वी आर गोइंग टू डू, हम कहेंगे सेतु बंधासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक पे लेट जाएंगे, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो आप आराम से अच्छे से बैक पे लेट गए इस तरह से। अब यहां पे लेटने के बाद आप अपने कमर को, हिप को इस तरह से ऊपर उठाएं, ये देखिए, इसे कहते हैं ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। अब यहां पे आप रहेंगे, फिर से वही 1 मिनट में रुकने की बात है। आज हम जो 2 आसन और 2 प्राणायाम की बात करने वाले हैं, उसमें से ये पहले 2 आसन है जिसे आप रुकेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं या उससे ग्रसित हैं, वो इस आसन पे बने रहें, कुछ देर रहें, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। ये देखिए, मैंने हिप को इस तरह से अच्छे से उठा के रखा है। अगर जिनको ये उठाने में भी तकलीफ है, देखिए जैसे हमारे पास ये योगा ब्लॉक है या तकिया है, आप इसे इसे इस तरह से रख सकते हैं, एक ब्लॉक रख दिया, फिर भी अगर आप चाहें तो उसे 2 ब्लॉक को हिप के नीचे, ये देखिए मैंने रख दिया। अब योग में आप इतना करेंगे तब तो होगा, और आपके पैरों में इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि आप उसको उठा के कुछ देर तक रह सके। करिए, होगा, थोड़े लंबे समय तक रखने के लिए आप ब्लॉक का इस्तेमाल करिए, वरना बिना ब्लॉक के भी आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे बने रहें इसी तरह, इसी स्थिति में जितना हो, और जब भी कंफर्टेबल हो फिर धीरे से अपने हिप को नीचे किया और दोनों ने इसको हक किया अपानासन में। चलिए अब बात करते हैं वो 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। वो 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन से हैं जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर में राहत मिलेगी। सबसे पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ओमकार। ओमकार आप चैंटिंग करें 7 बार, 21 बार, जब भी, जितने लंबे गहरे ओमकार की चैंटिंग करेंगे आपके लिए उतना लाभदायक रहेगा। जैसे आंखें बंद करके ओ, ये आप चैंटिंग करें 7 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स। सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। ये देखिए, राइट हैंड को हमने नासिका मुद्रा, लेफ्ट हैंड को चिन मुद्रा में अपने नी पे रख दें, राइट हैंड को नासिका मुद्रा पे, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया, सांस लिया लेफ्ट से, लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से सांस छोड़ा, राइट से सांस लिया, राइट बंद किया, लेफ्ट से सांस छोड़ा। ये आप करिए मिनिमम 1 राउंड, जब इनहेल एक्सहेल वो कंसीडर करेंगे। इसे आप कम से कम 8 to 10 टाइम्स जरूर करिए। अनुलोम विलोम करेंगे, धीरे करेंगे, स्लो करेंगे, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। कपाल भाती भस्त्रिका बिल्कुल ना करें, वो आपकी फास्ट ब्रीदिंग या हार्ट बीट को बढ़ाएगा। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो कपाल भाती या भस्त्रिका का इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी है तो बड़ा धीरे धीरे करें। क्या होगा, कपाल भाती आप जब भी करते हैं तो आपके नोस्ट्रिल पे रब होगा, जिसकी वजह से वो जो ब्लॉकेज है वो खुलेगा। बस उतना ही करें, ये नहीं कि आपको 2-2, 3-3 मिनट तक सिर्फ कपाल भाती इस तरह से करेंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टे लाभ के बजाय आपको नुकसान होगा। तो ये जो 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बताया, एक ओमकार और एक दूसरा अनुलोम विलोम। आप चाहें तो भ्रामरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत सूदिंग, आपको रिलैक्सेशन देने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जिसमें हम षणमुखी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, दोनों कानों को इस तरह से बंद करके, आंखें कवर करके, हमिंग का साउंड, भ्रामरी प्राणायाम।
इसे आप करिए 7 times भ्रामरी प्राणायाम, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, स्ट्रेस, स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीप एपनिया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके स्लीप प्रॉपर नहीं है तब भी आपके हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस रहते हैं। मैंने एक योग निद्रा का 10 minutes का वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल पे जाएं, वीडियो पे जाके सर्च करें देखें और उसको सुने। योग निद्रा 10 मिनट के उस आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जो आपको डीप स्लीप में हेल्प करेगा। बहुत से लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। मैं खुद पर्सनली उसको कान में लगा के सुनता हूं और उससे मुझे फायदा होता है। तो उस चीज को आप फिक्स करिए, आपके स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, ध्यान, मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। अभी मेडिटेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, कौन सा, आप जस्ट सहज रूप से आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, एंजॉय करें अपने मोमेंट को, ब्रेथ पे ध्यान दें, यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में आपके थॉट्स आएंगे, उनको देखिए जो भी है, बट उससे चिपकिए मत। कोई भी थॉट्स आते हैं तो उसके पीछे में यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वो भी फाइन है, फिर वापस आ जाइए। धीरे धीरे होगा, शुरुआती दौर पे ऐसे लगेगा कि थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तब होगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है कंसिस्टेंसी, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अब आप मेडिटेशन पे बैठेंगे नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे नहीं, आप कहेंगे कि भाई मुझे गोली दवाई डॉक्टर जो भी दे देते हैं तो उसी से मैं ठीक हो जाता हूँ, तो वो भी आपकी चॉइस है। आपको भी पता है कि दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट होते हैं शरीर पे आपके, और फिर आपका एक बिल, पैसे बिल बनना, डॉक्टरों के यहाँ जाना, और जब गोलियाँ दवाइयों का आप सेवन करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं हार्ट और किडनी को इफेक्ट करता है। तो सोचिए कि होलिस्टिकली योग आपको कैसे मदद कर सकता है, योगा से हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये सबसे लिंक है, हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज से, थायराइड से, आपके स्ट्रेस, किडनी डिसीज वालों को तो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, इन जो दो आसन को मैंने बताया है उसका, और ये दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें ओमकार, अनुलोम विलोम, और आप भ्रामरी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन योग निद्रा का भी इस्तेमाल करिए। स्लीप पे ध्यान दीजिए, आपके कुछ फूड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिनके, जो आपके लिए लाभदायक होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट में शामिल करें, आप अपने फूड पे देखिए विटामिन डी का आपका प्रॉपर कंजप्शन है कि नहीं है, विटामिन डी चेक करिए, आपके मैग्नीशियम को आप चेक करिए, मैग्नीशियम रिच फूड खाइए, आप अपने फूड में, डाइट में गुड क्वालिटी फैट का इस्तेमाल करिए, बैड क्वालिटी फैट तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। अभी मैं अगर बैड क्वालिटी फैट की बात करूँ तो ट्रांस फैट है, जो बाहर प्रोसेस्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये सब चीज़ें बैड क्वालिटी फैट में आती है। होममेड इंडियन कुक्ड फूड लीजिए और योग करिए, योग से तो बहुत लाभ मिला है, बहुत लोगों को मिलता ही है। अगर आप सेडेंट्री हैं तो मूवमेंट अपने स्टार्ट कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ध्यान का, प्राणायाम और मेडिटेशन, इनको तो बिल्कुल करिए। जो दो आसन मैंने बताए उसके अलावा भी कुछ आसन है वो आप कर सकते हैं। फास्ट मूविंग चीज़ें ना करें, लाइक आपको हाई ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आप जिम में जाके वजन वजन वाली चीज़ें उठा रहे हैं, या कुछ डांस क्लास ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपको वेट लॉस भी करना है, उसमें आपको ना फायदा नहीं होगा, उससे और शरीर गड़बड़ हो जाएगा। तो संतुलन के हिसाब से शरीर को बड़े होलिस्टिकली आप उन चीज़ों को फॉलो करिए और आप पाएंगे, क्योंकि इनर वेल बींग ना अंदर से आएगी, आपके बाहर से नहीं आएगी कि बाहर से आप कैसा दिख रहे हैं, अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, द वे यू फील यू बिकम, आप जैसा महसूस करेंगे, फील करेंगे, वही आप कहलाएंगे। अंदर से ही आप इतने ज़्यादा कुंठित हैं, अंदर से ही आप नेगेटिविटी में हैं, अंदर से ही मन में बेचैनी है, आप कहाँ से अच्छा फील करेंगे, आप ही बताइए। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप एक जगह बैठिए, पेड़ों को देखिए, पत्तों को देखिए, मौसम का एंजॉय करिए, फूड जो आप खा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ है, कहना आसान है लेकिन करना, मतलब आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और योग में इसका बिल्कुल इलाज है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें आपको और कोई समाधान चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये दो आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताए हैं इसको ज़रूर फॉलो करिए और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, और आप भी उस चीज़ को फॉलो करिए। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते।